मैंने अपना चुनाव प्रचार पूरे बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में शुरू किया है। उसी कड़ी में मैं प्रत्येक पंचायत में और प्रत्येक गांव को टच करने की कोशिश कर रहा हूं। लोगों में चुनावों के प्रति भारी उत्साह है, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर बिलासपुर सदर में विकास हुआ तो पिछले 5 वर्षों में हुआ। लोग बहुत उत्साहित हैं कि बिलासपुर जैसे छोटे से जिला में इतना बड़ा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बन के तैयार हो गया, लगभग 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट धरातल पर उतर गया। इसके साथ साथ लोग हाइड्रोजन कॉलेज जो हमारी बदला की धार पर बना है, साथ ही जो बंदला के लिए रोप वे बनने की बात है, आप देख रहे होंगे कि हमारा 4 लेन ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया। इस गोविंद सागर झील के आर पार के लिए इतना बड़ा ब्रिज जो प्रदेश और देश को समर्पित कर दिया गया। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि एक बड़े पहले से एक विषय चलता था कि बिलासपुर के लिए रेल आएगी। ये लगभग जब मैं छोटा सा था तब से विषय चलता रहा, लेकिन रेल तब से लेकर अब तक कुछ दिन पहले तक यहां तक नहीं पहुंची थी, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अब हमारे सराउंडिंग की बद्यात आगे तक सारी पंचायतों में लैंड अक्वायर हो गई है। जहां हमारा ये बड़ा ब्रिज बन रहा है उसके पास रेलवे का जो फ्लाईओवर है वो भी बन रहा है। तो लोगों में ऐसे अनेकों अनेक डेवलपमेंट के इशू लोगों के ध्यान में है। लोग ये भी जानते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिलासपुर जिला में विकास के नाम पर इतना पैसा खर्च हो गया। इतना ही नहीं, बिलासपुर में जो हमारा सांडू मैदान था, जहां पुराना बाजार था, भाखड़ा बांध बनने के बाद उसमें पानी आ गया। हम लोग विस्थापित हुए और जब हम लोग विस्थापित हुए तो हमारे जो वहां मंदिर हैं वो वहां पानी में चले गए। लोगों ने अपने अपने घर शिफ्ट कर लिए, बाकी पानी में चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जहां इन एम्स, हाइड्रोजन कॉलेज, रेलवे, 4 लेन, बड़े ब्रिज बनवाए, उसके साथ साथ